चलिए दोस्तों, आज एक और बार हम पढ़ते हैं वोल्केनोस के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। इट मींस दैट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विश्व में कहां कहां पे प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनका क्या लोकेशन है, और फिर हम पढ़ेंगे क्या उनका इम्पोर्टेंट फीचर है। आफ्टर दैट हम इनके बेसिस जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो इट मींस दैट ये जो वीडियो है पूरी तरह से मैपिंग एंड क्वेश्चन बेस्ड है। और इस वीडियो में हम पहले क्या करते हैं कि जो पिछला वीडियो था उसको लिंक करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, ताकि आज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, हम लेते हैं एक छोटा सा बैकअप। चलिए, मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन पे। देखिये दोस्तों, आज का जो वीडियो ना उसमें बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको वोल्केनो बताया था, फिर वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी बताया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था वोल्केनिक मटेरियल क्या होता है, ज्वालामुखी पदार्थ क्या होते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ज्वालामुखी पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इस वोल्केनिक इरप्शन, ये ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान जो गैसेस निकलते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वाटर वेपर की होती है, जलवाष्प की होती है। जितने भी गैस वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान निकलते हैं उसमें से 60-90% जो होता है वो वाटर वेपर अकेले होता है, जलवाष्प अकेले होता है, ठीक है। फिर हमने बताया था लिक्विड मटेरियल जो होता है उसमें लावा होता है जो बाहर निकलता है वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्भेदन के। फिर हमने आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ लावा एंड मैग्मा, लावा और मैग्मा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और मैंने आपको यह समझाया था कि जो हमारा अर्थ है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल के ऊपरी लेयर में जो हमारा लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको हम मैग्मा का नाम देते हैं, और वही जब लिक्विड मटेरियल ऊपर पृथ्वी के सतह की ओर चलना शुरू कर दे, मतलब कि अपने स्थान से एक बार डिस्प्लेस हो जाए या सतह पर पहुंच जाए, तो उसको हम लावा का नाम देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था। फिर हमने आपको लावा का डिवीजन समझाया था, एसिडिक लावा होता है, बेसिक लावा होता है। फिर हमने ये भी बताया था, मेंशन किया था कि कलर के आधार पर इसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, मैथिक से। फिर आपको ये भी बताया था फ्लो के आधार पर भी दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है लावा को। तो बहुत सारी बातें आपको डिस्कस की जा चुकी है, और अगर आप उन चीजों को एक बार नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लीज देखिएगा और आप इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर लीजिएगा, ताकि आज का जो वीडियो ना पूरी तरह समझ में आएगा। हम जानते हैं गलती क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इंटरलिंक फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं ना, तो चीजें भूलती है, और एक बार इंटरलिंक फॉर्म में पढ़ लेते हैं तो वही चीजें आसान हो जाती है। लोग कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ चीजों को अच्छे से मैकेनिज्म को समझ लेते हैं ना, तो पूरी ज्योग्राफी उसी में समा जाती है। चलिए, आज थोड़ा सा विचार भी मैंने अपना दे दिया, बट आगे बढ़ते हैं। और देखिए, फिर इसके बाद मैंने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनोस के बारे में, ठीक है, वोल्केनोस के अवयव के बारे में देखा था। फिर हमने डिवीजन के बारे में देखा था, और डिवीजन का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट को आज हम कवर करेंगे। फिर मैपिंग भी इसी बेसिस पे ही हम करेंगे, ठीक है। मतलब टाइप्स ऑफ वोल्केनोस में आपने देखा था ज्वालामुखी के प्रकार के आधार प्रकार में आपने देखा था ज्वालामुखी दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, मतलब उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आपने दो प्रकार से डिवाइड किया था, सेंट्रल इरप्शन टाइप, ठीक है, केंद्रीय उद्गार प्रकार, और दूसरा देखा था क्वाइट या फिशर इरप्शन टाइप, दरारी उद्गार प्रकार। आपने देखा था कि क्या होता है कि उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर भी जो ज्वालामुखी होते हैं उसको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक होता है सेंट्रल इरप्शन, कहने का मतलब है कि जब किसी एक पाइप के थ्रू लावा जो है या वोल्केनिक मटेरियल है बाहर निकले, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप, केंद्रीय उद्गार प्रकार। और दूसरा फिशर इरप्शन टाइप, मैंने मतलब कहीं दूर तक दरार बन गया और वहां से लगातार कॉन्टिन्यूसली लावा का इरप्शन होता है, तो उसे हम फिशर इरप्शन टाइप या दरारी उद्गार प्रकार बोलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, उद्भेदन की अधिकता के आधार पर वर्गीकरण। कहने का मतलब है, अधिकता का मतलब होता है टाइम पीरियड, कि कितने कितने काल या कितने कितने अंतराल के बाद ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, किसी ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, उस आधार पर भी हम ज्वालामुखी को तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। कौन कौन? तो देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है, हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, जो है एक्टिव वोल्केनोस, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोस, निष्क्रिय ज्वालामुखी, तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, विलुप्त ज्वालामुखी। आइए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं और इनके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर इनका मैपिंग करते हैं और फिर इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव वोल्केनोस सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो एक्टिव वोल्केनोस वो होते हैं जिनसे कॉन्स्टेंटली वोल्केनिक मटेरियल का इजेक्शन होता है, मतलब कि जिनसे क्या हो लगातार ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, मतलब कि ऐसा वोल्केनोस जिससे लगातार ज्वालामुखी पदार्थ निकले उसको हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनोस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ज्वालामुखी पदार्थ ना कहना चाहें तो आप कह सकते हैं लावा निकले, गैस निकले, राख निकले, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स निकले, मतलब अखंडित पदार्थ निकले, तो इनकी जगह पे आप सीधे सीधे यूज कीजिए ना। आपको टर्मोलॉजी में इसीलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि आप इनको डायरेक्टली यूज कीजिए, वोल्केनिक मटेरियल यूज कीजिए, इतना ढेर सारा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें जो लगातार निकलती है, वोल्केनिक मटेरियल जब लगातार निकले किसी भी ज्वालामुखी से तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन लगातार का मतलब होता है कभी कभी जैसे 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर से फट रहा है, फिर 10-15 मिनट बाद फिर से फट रहा है। तो कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं आफ्टर ए फिक्स पीरियड, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद जिससे लगातार उद्भेदना होती रह रही है, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिससे एक निश्चित अंतराल के बाद ज्वालामुखी पदार्थ उद्भेदित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, विश्व के कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो पहला आता है माउंट किलायू का नाम। माउंट किलायू का नाम इसलिए आता है क्योंकि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब इसमें लगातार उद्भेदन होता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। भाई मैं थोड़ा सा अलंकार का प्रयोग करता हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें लगातार क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है, बहुत तेजी से होता रहता है, ठीक है। इसलिए क्या है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। और इसका लोकेशन क्या होगा, हवाईयन आईलैंड, हवाई द्वीप, यूएसए का। चलिए अब विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के बाद हम आते हैं मोनालाओ पे, जो कि कहां पे, हवाईयन द्वीप पे है, मतलब कि बस जस्ट इसके बगल, किलायू के बगल में है मोनालाओ, हवाईयन द्वीप पर ही, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये लार्जेस्ट बाय एरिया, मतलब कि क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो कॉन्टिनेंट्स पर, मतलब कि महाद्वीपों पर सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है कौन, मोनालाओ। मतलब कि अगर इसने ये बोल दिया कॉन्टिनेंट्स तो इसका मतलब है कि किसी ओशियन में कोई ऐसा ज्वालामुखी होगा जिसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसका नाम मैं आपको मेंशन करता हूं, तैमू मैशिप पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा मोनालाओ जो है उसका लोकेशन हो गया हवाईयन आइलैंड, और वो क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लार्जेस्ट एरिया वाइज वोल्केनो ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप पर सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है वोल्केनिक कालिमा, मतलब इसको आप कालिमा सिंपली पढ़िएगा, ठीक है। ये कहां पे है, मैक्सिको। मैक्सिको आपको पता ना कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको है। तो मैक्सिको में ये पाया जाता है कालिमा, और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको यहां पे मेंशन किया, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी, मतलब कोटोपैक्सी पढ़ते हैं, कोटोपैक्सी जो कहां पाया जाता है, इक्वेडोर। इक्वेडोर आपको पता ना, दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर है, एंडिस माउंटेन पर ही स्थित हमारा कोटोपैक्सी। और ये जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, मतलब आप देखिएगा ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये कह रहा वोल्केनिक माउंटेन, हाईएस्ट वोल्केनो ने कहा, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, कौन, कोटोपैक्सी। चलिए उसके आगे वाला पॉइंट भी देखते हैं, ओजस डेल सलाडो, ये भी कहां पे है, तो ये है एट द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली, मतलब ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, मतलब सीमा पर है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब कि अभी पिछले जब आपने कोटोपैक्सी देखा था तो ये मैंने बताया था कि वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये क्या है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी विश्व के सबसे ऊंचाई पर जो अवस्थित है, यह है ओजस डेल सलादो, ठीक है। फिर माउंट एटना, एटना कहां पे है, तो एटना है इटली में, वहां पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक सिसली आइसलैंड, कहां पे, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में एक सिसली आइलैंड है, सिसली द्वीप है, और यहां पर अवस्थित है हमारा माउंट एटना, ठीक है। नेक्स्ट है इस्तांबुली, इस्तांबुली आपको उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, मतलब एटना के जस्ट ऊपर देखें तो आपको मिलेगा इस्तांबुली, और इस्तांबुली का लोकेशन इस प्रकार से हो जाता है, लिपारी आइलैंड नॉर्थ ऑफ सिसली, सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है हमारा इस्तांबुली, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है, क्या, प्रकाश स्तंभ किसका, भूमध्य सागर का, मतलब ये भी कहां पे अवस्थित है, भूमध्य सागर में अवस्थित है। और जब क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इसके लावा का जो कलर होता है ऐसा लाइट अप होता है कि जैसे लगता है कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया, रात में कभी जब ये फटता है बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर लगता है,
सुनहरा शब्द मैंने यूज किया, आई डोंट नो, सुंदर सा बहुत ही ब्यूटीफुल वहां पे देखने को मिल लगता है, तो इसलिए इसको बोला गया लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए नेक्स्ट आता है माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी कहां पे है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है माउंट फ्यूजी। इसका लोकेशन होता है होन्सू आइसलैंड जापान में, जापान के होन्सू द्वीप पर इसका लोकेशन है माउंट फ्यूजी का। ठीक है, नेक्स्ट है बैरन वोल्केनो, मतलब बैरन ज्वालामुखी। ये कहां पे अवस्थित है, तो ये हमारे इंडिया में अवस्थित है। इंडिया में आप देखेंगे तो बैरन आइलैंड है, बैरन द्वीप है जिसपे ये अवस्थित है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, केवल एक ऐसा वो एक्टिव वोल्केनो माना जाता है, मतलब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। माना जाता है कि भारत में केवल और केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जो क्या है, बैरन वोल्केनो है। वहीं पे फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में मयान है, पिनाटुबो है, माउंट ताल है, ये सभी एक्टिव वोल्केनोज है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माउंट इरेबस। इरेबस कहां पे अवस्थित है, इसका लोकेशन है रॉस आइलैंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, मेरे को जब मैं ये पढ़ रहा था इरेबस के बारे में, तो मुझे इरेबस के बारे में कहीं कहीं ये मिलता है कि जो अंटार्कटिका का केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बट कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने मेंशन नहीं किया। बाकी आप सर्च कीजिएगा, आपको जो मिलता है, आप ऐसा नहीं एक ही आप एक जगह पे आपने एक पोस्ट पढ़ लिया या कुछ पढ़ लिया तो आपने फिर वहीं पे डिसाइड कर लिया। आप कई जगहों पे सर्च कीजिएगा जो आपके सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं वहां पे, और देखिएगा क्या चीज ये सही है कि जो इरेबस है वो मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका का या दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसको क्लियर कीजिएगा। बट ये तो कन्फर्म था कि यह सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा विश्व के इम्पोर्टेंट ज्वालामुखियों के बारे में, ठीक है, जो कि सक्रिय हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉर्मेंट और स्लीपिंग वोल्केनोस, मतलब जो डॉर्मेंट होते हैं उनको हम स्लीपिंग वोल्केनोस भी बोलते हैं, मतलब जो निष्क्रिय होते हैं उनको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो डॉर्मेंट वोल्केनोस में क्या होता है, देखिए ये ऐसे ज्वालामुखी है जो कि क्वाइट हो गए हैं कब, आफ्टर दियर इरप्शन, मतलब कभी इसमें क्या हो रहा था, उद्भेदन हो रहा था, अब उद्भेदन के बाद ये शांत हो चुके हैं फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, एंड दियर आर नो इंडिकेशन फॉर फ्यूचर इरप्शन, और ये भी है कि भविष्य में इनमें उद्भेदन के कोई संकेत तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सडनली इरप्ट होते हैं, अचानक से इसमें क्या होता है, उद्भेदन होता है। और जब भी इनमें उद्भेदन होता है, जो लोग सोए होते हैं वो जब एकाएक जागते हैं तो बहुत तेजी से, बहुत ही प्रचंड तरीके से क्या करता है, ये इरप्ट होता है, ये उद्भेदित होता है। ऐसे में ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको समझ में आया कि डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनो क्या है, निष्क्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है। कहने का मतलब कभी इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता था, अभी नहीं हो रहा, अभी ये शांत हो चुके हैं, अभी इनमें कोई फ्यूचर इंडिकेशन भी नहीं है कि भविष्य में इनमें ज्वालामुखी फटेगा या इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी सडनली इनमें इरप्शन हो जाता है, और जब इनमें इरप्शन होता है तो फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख एग्जाम्पल हैं। पहला है मोनाकिया, मोनाकिया जो कि आपको मिलेगा, इसका लोकेशन हवाई आइलैंड में, यूएसए का 50वां स्टेट। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, टालेस्ट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा ज्वालामुखी। अब ये लंबा क्या होता है, ऊंचा क्या होता है, आपने कोटोपैक्सी का पढ़ा तो हाइएस्ट वोल्केनिक माउंटेन हो गया, फिर आपने सेरा ओजस डेल सलाडो पढ़ा तो आपको मिला कि हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो, मतलब एक्टिव वोल्केनो एट द ग्रेट हाइट आपने पढ़ा, फिर ये टालेस्ट वोल्केनो क्या है, मतलब विश्व का सबसे लंबा ज्वालामुखी क्या होता है। तो ये एक्चुअली क्या केस है कि इसका जो मेजर पोर्शन है ना वो पानी के अंदर डूबा है, वो ओशियन महासागर में डूबा हुआ है, मतलब 6000 मीटर तक तो ये ओशियन के अंदर है, 4000 मीटर तो ऊपर है, तो इसलिए ये टालेस्ट तो है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये टालेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड हो गया। माउंट विसुवियस नेक्स्ट है, माउंट विसुवियस जिसका लोकेशन है गल्फ ऑफ नेपल्स, नेपल्स की खाड़ी में, इटली के नेपल्स के खाड़ी में पाया जाता है, जहां पे आपने देखा होगा कि स्ट्रांबोली था, ठीक है, एटना था, वहीं पे है माउंट विसुवियस, जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर में, गल्फ ऑफ नेपल्स में, इटली के खाड़ी में। ठीक है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपने देखा था कि जब मैंने सेंट्रल इरप्शन टाइप के वोल्केनोस को पढ़ाया था उसमें जो पांच थे उसमें एक हवाईयन टाइप का था तो एक विसुवियस टाइप का भी था। ठीक है, तो विसुवियस उसमें से एक होता है। ओके, नेक्स्ट है क्राकाटो।
जिसको हम क्राकाटोआ भी पढ़ते हैं, ये इसका लोकेशन पहले हम देखते हैं, लोकेशन कहाँ, तो सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट जो कि अवस्थित है कहाँ पर, बिटवीन द आइसलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में एक सुंडा जल संधि है इंडोनेशिया में, वहीं पर क्राकाटोआ पाया जाता है या क्राकाटोआ अवस्थित है। इसका इम्पोर्टेंट यह है कि जब क्राकाटोआ फटता है तो पूरे विश्व में लगभग ये पता चल जाता है कि कहीं पर कोई ज्वालामुखी फटा है। ये इतने तेजी से, इतने भयानक तरीके से इसमें विस्फोट होता है कि एक बार पूरे विश्व को ये लग जाता है कि कहीं पर ज्वालामुखी आया है, और उसकी वजह से वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाता है कि कई दिनों तक तो वहां सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंच भी नहीं पाती है। ठीक है, तो खैर जो भी है, चीजों को आप समझिएगा, को रिलेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नरकुंडम। नरकुंडम जो है वो ज्वालामुखी पाया जाता है हमारे बे ऑफ बंगाल इंडिया में, मतलब इंडिया के में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है नरकुंडम। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपने डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनो को भी पढ़ लिया, प्रसुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोस। अभी देखिए मैपिंग तो मैं कराऊंगा, अभी आप धीरे धीरे इनको सीखिए, छोटे छोटे एग्जांपल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं। बाकी आपको मैं बताऊं, केवल और केवल मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में लगभग 80 से 90 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और सबके नाम आपको मैं याद नहीं करा सकता हूं। हाँ, ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इनके जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे न्यूज़पेपर में, करंट्स में, उनको जरूर अपडेट कीजिएगा, बिकॉज अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये सब नॉलेज तो आपको एक तरह बेसिक प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो होंगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो, विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं? द वोल्केनोस आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट वेयर देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। मतलब कि अब देखिए, फ्यूचर इरप्शन का इंडिकेशन तो हमें एक्सटिंक्ट उसमें भी नहीं मिल रहा था ना, डोरमेंट वोल्केनोस में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो सडनली इरप्ट होते हैं। अब इनमें क्या है, फ्यूचर इंडिकेशन भी नहीं मिलेगा और ना ही इनमें कभी कोई इरप्शन होगा, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, जिसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अकोंकागुआ। ठीक है, अकोंकागुआ जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में लोकेटेड है। अगर इसका इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो इसको देखा जाए तो हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, मतलब एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज माउंटेन आपको पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और अगर देखा जाए एशिया के बाहर, एशिया के बाहर तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सॉरी विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, चोटी होता है। क्योंकि हमारे एशिया में अगर सिर्फ माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो विश्व के 10 सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर ही है। ठीक है, तो एशिया के बाहर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा, अकोंकागुआ है। नेक्स्ट है चिम्बरोजो। ठीक है, चिम्बरोजो, चिम्बरोजो का लोकेशन है इक्वाडोर साउथ अमेरिका, मतलब इक्वाडोर में दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आपने देखा कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी के जस्ट नीचे हमारा चिम्बरोजो पाया जाता है जो कि इक्वाडोर में अवस्थित है। ओके, फिर आता माउंट केन्या। माउंट केन्या की लोकेशन केन्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, माउंट पोपा म्यांमार, ये सभी कैसे हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट पोपा हो गया, इसका लोकेशन म्यांमार हो गया। फिर आता है किलिमंजारो, ये इंपॉर्टेंट है किलिमंजारो। किलिमंजारो का लोकेशन होता है तंजानिया, अफ्रीका, अफ्रीका के तंजानिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से था कुछ एक्सटिंक्ट एंड डेड वोल्केनोस, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है पूरे विश्व में, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया मैंने। ठीक है, एक नोट है आपके लिए कि एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनोस के बीच में थोड़ा सा एक रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है और जो थोड़ा सा निष्क्रिय ज्वालामुखी, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप ये है कि कभी कभी जैसे डोरमेंट वोल्केनोस है, काफी लंबे समय तक क्या हुआ, इसमें कोई इरप्शन नहीं हुआ, बट अचानक से इसमें इरप्शन हो गया, तो कुछ समय के लिए इसको हम एक्टिव ही तो कंसिडर करेंगे। सपोज कीजिए कि इसमें एकाएक इरप्शन हुआ और फिर कुछ समय बाद फिर से रीअडप्ट हुआ, उसका मैग्मा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया था और फिर से थोड़ी देर में रीअडप्ट हुआ। मतलब कि जब इनका आएगा तो कुछ समय तक इनका क्या होता है, इरप्शन होता रहता है, 8-10 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे मान लो सपोज कीजिए 5-6 बार हुआ, फिर एक लंबे समय तक छुट्टी पे चले गए, फिर 5-6 बार आता हो जाता, तो कहने का मतलब एक पीरियड आ जाता है जिसमें इनको एक्टिव वोल्केनो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कंसिडर किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है कि आपसे पूछा गया कि कौन कौन से एक्टिव वोल्केनोस हैं, उसमें एक आपको डेड वोल्केनो का दे दिया गया, बाकी कुछ एक्टिव थे, दो एक्टिव थे, एक डोरमेंट दे दिया गया, तो वहां पे आप जो डोरमेंट है ना उसको भी एक्टिव कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग का, तो देखिये
पहले हम शुरू करते हैं अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पे कटमई पाया जाता है अलास्का क्षेत्र में, जिसको ए वैली ऑफ थाउजेंड फॉर्मलेस भी बोलते हैं। अभी हम आगे बताएंगे फॉर्मलेस क्या होता है, ठीक है। फिर आता है माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, और यहाँ पे सेंट हेलेंस भी है, माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है। उसके नीचे माउंट रेनियर के नीचे माउंट सेंट हेलेंस, जिसको हम फ्यूजी भी बोलते हैं, फ्यूजी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और फिर इसके नीचे माउंट हुड, ठीक है, यहाँ पे माउंट हुड पाया जाता है। और ढेर सारे यहाँ पे वोल्केनोस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन बाउंड्री पाया जाता है, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ बताएंगे कि किस कारण से यहाँ पे वोल्केनोस ढेर सारे पाए जा रहे हैं। फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हवाईयन आईलैंड है, लगभग 27 से कह सकते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में यहाँ पे देखिए, ठीक है, हवाईयन आईलैंड है। ओके, यहाँ पे लोकेशन क्लियर नहीं हो रहा है इस मैप में, बट मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप देखिएगा 30 डिग्री के आसपास ही माउंट हमारा क्या हवाईयन आईलैंड है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वोल्केनो है वो कौन सा, माउंट किलायू, जिसको मैंने बोला था हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालाओ के बारे में मैंने बताया था, मोनाकिया के बारे में बताया था, मोनालाओ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि महाद्वीपों पर स्थित सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है, ओके। फिर मोनाकिया आपने देखा था, ओके। फिर यहाँ पे आप आते हैं मैक्सिको में, तो मैक्सिको में कालिमा है, कालिमा है, ठीक है, सॉरी कोलिमा है, ठीक है, कालिमा भी पढ़ते हैं, कोलिमा भी पढ़ते हैं, ओके। इसके नीचे है पोपोकटुपट्टी, ठीक है, इसके नाम को बहुत ही ध्यान से प्रोनाउंस कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन आता है, पोपोकटुपट्टी, ओके। फिर आप देखेंगे कि जो हमारा कैरेबियन सी है, ये हमारा क्या कैरेबियन सी है, जहां पर माउंट पीली है, माउंट पीली है, आपने देखा था कि जो सेंट्रल टाइप के इरप्शन होते हैं, ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले प्रकार होते हैं, उसमें आपने देखा था पांच प्रकार का होता है, जिसमें से माउंट पीली भी एक प्रकार था, ठीक है। फिर आपने देखा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी को मैंने आपको क्या बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, उसके नीचे है हमारा चिम्बरोजो, चिम्बरोजो के बारे में मैंने आपको क्या बताया, चिम्बरोजो कैसा ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सेरा ओजस डेल स्लाडो, सेरा ओजस डेल स्लाडो ये क्या है, तो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पाया जाता है, और ये जो है ना वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहने का मतलब ये है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियो में। फिर आता अकोंकागुआ, अकोंकागुआ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मतलब कि एक देखा जाए तो हमारा जो ये एंडीज पर्वत है, यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, और एशिया के बाहर जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है वो अकोंकागुआ है, ओके। अब देखिए हमारा आइसलैंड है, और आइसलैंड में हमारा हेक्ला एंड लाकी होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं यूरोप में, तो यूरोप में आप देखिए मेडिटेरियन सी क्षेत्र में बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले है एटना, ठीक है, इटली में ये भी है। फिर वोल्केनो है, ठीक है, वोल्केनो आपने देखा था जो पांच प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार का ये होता है, एक तो हमारा हो जाता है हवाईयन, ठीक है, एक होता है वोल्केनो, फिर होता है पीली, और इसमें एक दो और आते हैं ना, एक हमारा विसुवियस वाला प्रकार का आ जाता है, एक स्ट्रोम्बोली वाला प्रकार का, स्ट्रोम्बोली प्रकार का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा इसी के जस्ट ऊपर स्ट्रोम्बोली, और उसके जस्ट ऊपर है विसुवियस। स्ट्रोम्बोली के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, तो नोट रखिएगा इन सब चीज को। फिर यहाँ पे आते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में देखिए माउंट कैमरून है, माउंट कैमरून है जो कि कैमरून में अवस्थित है, माउंट केन्या है, केन्या में अवस्थित है, किलिमंजारो है, तंजानिया में अवस्थित है, ठीक है, ये तीन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान में, तो देखिए हमारे ईरान में कौन सा है, देवबंद, मतलब हम एशिया में आ रहे हैं, देवबंद, और यहाँ पे को सुल्तान भी है, ठीक है, तो उसको नोट रखिएगा। फिर हम इंडिया की बात करें तो नरकोंडम है, ठीक है, और बैरन है, तो बैरन को केवल एक एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। म्यांमार में माउंट पोपा, और इसके बाद फिर हम यहाँ मलेशिया में आते हैं तो किनाबालू है, ठीक है, इंडोनेशिया में आते हैं तो यहाँ पे सिनाबुंग है, और इसके बाद क्राकाटोआ है। क्राकाटोआ को मैंने बताया था जो कहाँ पे स्थित है, सुंडा स्टेट में स्थित है, जो जावा और सुमात्रा के बीच में, ये है जावा, ये है सुमात्रा, और इसके बीच में है सुंडा स्टेट, सुंडा जल संधि, यहीं पे अवस्थित हमारा क्राकाटोआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा इधर जापान साइड में, और जापान के पहले हम तेमू मैशिप को देख लेते हैं, जो विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी, मतलब एरिया वाइज सबसे ज्यादा विस्तृत ज्वालामुखी तेमू मैशिप, जो पैसिफिक ओशियन में हमारा पाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कॉन्टिनेंट पे जो सबसे ज्यादा है कौन है, मैंने बताया था क्या, माउंट किलायू, सॉरी मोनालाओ, मोनालाओ बताया था ना। फिर पूरे विश्व में अगर सबसे विस्तृत देखा जाए तो तेमू मैशिप है, जो कि पैसिफिक क्वेश्चन है। फिर जापान में देखते हैं तो माउंट फ्यूजी है, फिर इसके जस्ट नीचे अंजन, ठीक है, और इसके बाद हम अगर आते हैं फिलीपींस में तो यहाँ पिनाटुबो है, ताल है, म्यान है, ठीक है,
और यहाँ पे अगर पपुआ न्यू गिनी में देखते हैं बगाना है, और अगर हम इसमें न्यूजीलैंड में देखते हैं तो रुपे हुए है, ठीक है रुपे हु। तो इस प्रकार देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में, ठीक है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो आप उसमें मेंशन कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस प्रकार से मैपिंग हो गया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट एवोडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनोज, मतलब ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकलता है। तो मैंने बताया था वाटर वेपर, जिसका लगभग 60-90% कंटेंट होता है सभी गैसों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो वोल्केनिक माउंटेन पूछा है ना कि वोल्केनो पूछा है। ठीक है, तो माउंट कोटोपैक्सी। ओके, फिर नेक्स्ट है द मोल्टन मटेरियल फाउंड इन साइड द अर्थ। अब कह रहा फाउंड इन साइड द, मतलब पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। किसी ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी ये दो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है किससे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, वितरण से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन रॉक वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना इज, माउंट एटना क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि एक माउंटेन है जैसा वोल्केनिक वाला, ये वोल्केनो वाला, ठीक है वोल्केनो है। फिर है वेयर इज माउंट सेंट हेलेंस सिचुएटेड, सेंट हेलेंस कहाँ पाया जाता है। तो यूएसए में, मैंने आपको अभी भी बताया था, सेंट हेलेंस यूएसए में पाया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ फ्यूजी ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, ओके चलिए, सॉरी ये आप देख लीजिए, ठीक है फ्यूजी ऑफ अमेरिका, मैं थोड़ा सा वीडियो में नहीं देख रहा था कहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मोनालाओ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन, मोनालाओ कहाँ पे। तो मैंने बोला मोना किया, मोनालाओ या किलायू, तो ये तीनों कहाँ पे, हवाई में है, हवाई हो गया सही आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, मोनालाओ इज एन एग्जांपल ऑफ, मोनालाओ कैसा है, तो एक्टिव वोल्केनो है, विश्व का जो सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है महाद्वीपों पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोज, कौन कौन से एक्टिव वोल्केनोज हैं। अब देखिए इसमें आपको स्मार्टनेस का यूज करना है, जो मैंने बाद में नोट्स पढ़ा था, कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, ठीक है, और इसके बाद अकंकागुआ ये तो नहीं है, फिर एटना। तो एटना कैसा है, तो आप लोग को मैंने बताया था एटना जो है वो एक तरह का डॉर्मेंट वोल्केनो है, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिये ऑप्शन में देखा है, पहला दूसरा ऑप्शन इसमें है, ये नहीं चाहिए, तीसरा चौथा है, तीसरा चौथा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दूसरा भी सही है। तो कहने का मतलब है तीन ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये जो होता है डॉर्मेंट वोल्केनो है, तो इसको भी कंसीडर किसमें किया गया है, एक्टिव वोल्केनो में कंसीडर किया गया, इसीलिए मैंने लास्ट का नोट्स पढ़ा था, इसमें ऑप्शन सही होगा 2, 3, 4। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनो, कौन कौन से इसमें जो है वो एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एटना हो गया, एटना है क्या, नहीं एटना तो वैसे डॉर्मेंट है, विशुबियस ये भी डॉर्मेंट है, अकोंकोगुआ ये तो है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से डेड है, किलिमंजारो ये भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों को कंसीडर कर लिया जाएगा यहाँ पे, जो डॉर्मेंट है उनको एक्टिव कंसीडर किया जाएगा, और इस प्रकार से 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज, अब आपको एक नया चीज यहाँ पे सीखने क्या मिला, जो किलिमंजारो है वो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो कि तंजानिया में अवस्थित है, कहाँ पे, तंजानिया में। फिर किलिमंजारो इज क्या है, वोल्केनो है, किलिमंजारो एक वोल्केनो, मतलब कि जो किलिमंजारो है वो वोल्केनो है, और ये वोल्केनिक माउंटेन है, और अफ्रीका का हाईएस्ट पीक भी है जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। ये सब कंक्लूजन निकालते रहिए क्वेश्चन से। ओके, तो द विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी मतलब कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया था स्ट्रॉम्बोली को कहा जाता है, स्ट्रॉम्बोली इज एन एक्टिव वोल्केनो, स्ट्रॉम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज मतलब कि विश्व का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो मैंने बताया था किलायू है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच द फॉलोइंग को मैच करना है, जिसमें आप देखेंगे इतना तो आपने बताया था इटली में है, विशुबियस कहाँ पे, ये भी हमारा वो कहाँ पे, सिसली आइलैंड हो गया, फिर इरेबस को मैंने बताया था रॉस आइलैंड, ठीक है, कोटोपैक्सी का इक्वाडोर बताया था, तो विशुबियस सिसली में। ओके, चीजें आपको कभी कभी जब माइंड में नहीं होता है तो आप इस तरह से लिंक कीजिए। ओके चलिए, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ढूंढिएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। माउंट रेनियर को मैंने बताया था, माउंट रेनियर, माउंट सस्ता, माउंट हुड, ये यूएसए में है, ठीक है,
और इसके बाद एटना कहाँ पे हो गया, एटना हमारा इटली में हो गया। फिर देखिए पेरिक्यूटियन कहाँ पे है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया पेरिक्यूटियन और ताल, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो विश्वास मैंने आपको ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। जैसे पहले का आपको चौथा, पहले का चौथा आपको दो में मिला है। फिर बी का आपको पहला, बी का पहला किस में मिला है, सॉरी बी का वन, एक मिनट, ओके ओके यहां भी चौथा है सॉरी, और बी का वन, बी का वन मिल गया, तो यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं जो चीजें नहीं बताया हूं वो आपको नोट करके लिख लेना है कि पेरिक्यूटियन कहां पे, माउंट ताल कहां पे, मैं बताऊंगा आगे इनके बारे में, माउंट ताल के बारे में, ठीक है। पेरिक्यूटियन के बारे में आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यहां कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है मैक्सिको में, ओके। फिर किनावलू के बारे में मैंने आपको बताया था, किनावलू कहां पाया जाता है, तो मैंने बताया मलेशिया में पाया जाता है। फिर इल्बुर्स के बारे में मैंने बताया आपको क्या, इल्बुर्स के बारे में बताया है, हाँ बताया सर ना, ईरान नहीं बताया, चलिए ईरान यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। जो चीज मैं स्किप कर रहा हूँ उसको इसलिए क्योंकि आप इनके जितना बता दिया ना विश्वास मैंने उनसे आपके क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर जो चीज नहीं आ रही है उसको यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अकांकोगुआ, अकांकोगुआ कहाँ पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना में पाया जाता है। किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ओके। चलिए तो इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो वोल्केनो का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अंदर की स्थलाकृतियां, बाहर की स्थलाकृतियों के बारे में। फिर हम देखेंगे बाहर भी दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, एक डिप्रेस्ड होता है, एक होता है एलिवेटेड, ठीक है। तो दोनों प्रकार की हम स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों जगहों पर वोल्केनिक लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। बहुत कुछ कवर किया जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।